झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियों का सूचनात्मक सार, झारगोव साप्ताहिक समाचार। झारखंड सरकार की साप्ताहिक गतिविधियों से जुड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं 17 अप्रैल से। यह दिन झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के मजबूतीकरण के नाम रहा। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप नई दिल्ली में झारखंड के गिरिडीह स्थित कपिलो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 अप्रैल को ही झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 20 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बैठक में कैबिनेट द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर चुके युवाओं से अतिरिक्त एक वर्ष तक कार्य लिए जाने व झारखंड में लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिए जाने सहित कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी दिन झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजीता हेम्ब्रम एवं महासचिव राहुल कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रशासनिक सेवा संघ ने राज्य महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान करने सहित अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड होम्योपैथी डे कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आयुष आंगनवाड़ी होम्योपैथी किट का उद्घाटन तथा सी केयर होम्योपैथी पुस्तक का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयुष प्रक्षेत्र की मजबूती के लिए 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अब रुख करते हैं 18 अप्रैल का। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अलारगो चंद्रपुरा स्थित आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने दिवंगत पूर्व मंत्री के शोकाकुल परिजनों को धैर्य बंधाया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के चंद्रपुरा स्थित आवासीय परिसर में मीडिया कर्मियों से भी संवाद किया। 18 अप्रैल को ग्रामीण विकास सचिव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किए जाने पर बल दिया। उन्होंने सरकार और ग्रामीणों के बीच संवाद का मॉडल बनाने व मनरेगा से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावशाली बनाने को लेकर अहम निर्देश भी दिए। दूसरी ओर झारखंड में भीषण गर्मी व लू के खतरों को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में केजी से पांचवी तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एवं छठी से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित करने का निर्देश जारी किया। अब जानते हैं 19 अप्रैल का हाल। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा एवं अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह का बैच लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दी। इसी दिन फिल्म निर्माता व अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। नीतू चंद्रा ने फिल्मों के माध्यम से झारखंड के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने की इच्छा जताई। इस पर सीएम ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। दूसरी ओर रमजान के मुबारक मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय परिसर में दावते इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं रोजेदार शामिल हुए। अब बात करते हैं 20 अप्रैल की। इस दिन सरकार ने श्रमिकों को सौगात दी। हेमंत सरकार ने ठेका मजदूरों की मजदूरी में जुड़े महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया। इससे विभिन्न कैटेगरी के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 2,250 से लेकर 3,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की तथा अपने कैंसर के चल रहे इलाज से जुड़ी बातें भी साझा की। इस दौरान उन्होंने कैंसर को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करने की पहल करने का आग्रह सीएम से किया, ताकि कैंसर पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलना आसान बने। अब 21 अप्रैल की बात करेंगे। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित सिविल सर्विसेज डे के मौके पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य हित व जनहित के मुद्दों पर संवेदनशीलता व गंभीरता के साथ जिम्मेदारियां निभाने का आह्वान किया। 21 अप्रैल का दिन गुमला जिले के लिए उपलब्धियों भरा रहा। सिविल सर्विस डे के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान किया।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुमला जिले के बिसनपुरा स्थित विकास भारती संस्था का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने विकास भारती की गतिविधियों की जानकारी ली। वहीं राज्यपाल ने गुमला में सिनगी दई वन विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। अब करेंगे 22 अप्रैल की बात। इस्लाम मतानुयायियों की पवित्र त्योहार ईद उल फित्र के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री ने ईद के त्योहार को शांति, एकता, हर्ष उल्लास व उत्साह का प्रतीक बतलाया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए एक और अक्षय तृतीया तो दूसरी ओर परशुराम जयंती के पावन अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने समस्त राज्यवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार हर्षोल्लास, शांति, एकता व आपसी भाईचारा का संदेश देता है। दूसरी ओर रांची के सांसद संजय सेठ ने राजमहल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट करके 5 से 7 मई को रांची में आयोजित होने वाले संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के लिए आमंत्रित किया।